This is her? ये पहली बार आ रही है यहाँ. I'm from Europe. Ireland. अब बैठिए, हम बैठे तो आपके बारे में जब से मैं चुड़िया उतरी मोर, जब से बहुत गरीबी प्रसिद्धि रही. बहुत बार बार लड़के बच्चे बोल रहे किसी के पानी करो, किसी के मजदूरी करो, किसी का कुछ करो भाई. तो उससे लड़का बच्चा अपने पालते रहो. ऐसे फिर यहाँ रहने धीरे 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 से रहने लगे. तो फिर गुरु जी से मुलाकात हुई. तो फिर गुरु जी सिखाने लगे कुछ, फिर अपने लोगों का आओ जोड़ने लगे थोड़ा बहुत अपने बैगा समाज का. अब यहाँ प्रगसनी तो यहाँ चल गए मेरा, यहाँ सोने गांव दिया कि यहाँ. और अपने देश में कहाँ कहाँ गए? अपने देश में यहाँ यहाँ गई खजुराहो, गई भोपाल, गई और फिर वहाँ मांडो निकल गई, उज्जैन निकल गई और फिर विदेश चली गई. भाई के यूं तो जो है कई बार जो है विदेशी लोगों ने चित्र खरीदे, प्रशंसा करी, अमेरिकन भी, फ्रांस से भी, जर्मनी में भी. लेकिन इस बार जो है एक आश्चर्य हुआ कि जो इटली के मिलान शहर की एक आर्ट डीलर ने इनके कामों को सामूहिक प्रदर्शनी में रखने का जो है फैसला लिया, जो कि मिलान शहर में 11 अक्टूबर तक अभी प्रदर्शनी चलेगी. और इसमें जो है श्रीमती पद्मजा श्रीवास्तव, जो कि गोन ट्राइबल आर्ट की गैलरी चलाती हैं भोपाल में, उन्होंने जो है भरपूर प्रयास किया और उनके संकल्प से ही जो है न केवल ये इटली के मिलान शहर में प्रदर्शित हो रहे हैं. मैं एक ट्रेंड आर्टिस्ट हूँ, मैंने शांति निकेतन से शिक्षा ली और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा से जो है मैंने कार्य किया है कि जुदैया बाई जैसी महिलाएं जिनमें आधुनिकता भरी हुई है लेकिन कहने को ये आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं, और इनके द्वारा जो सृजन किया जाता है वो किसी भी कीमत में किसी आधुनिक कलाकार से कम नहीं है, पर एक दृष्टि होनी चाहिए. तो वो दृष्टि मैंने जो है जुदैया बाई और इनकी जो सहयोगी हैं झूलन बाई, फूलबाई, संतोषी बाई, सगुन बाई, इन लोगों में देखी तो मुझे लगा कि मेरी आधुनिक चित्रकला तो बहुत पीछे है. ये लोगों के अंदर जो दमखम है, जैसे मेरा एक प्रसिद्ध चित्रकार दोस्त जनगण सिंह श्याम, जिसने पूरी दुनिया में गोन ट्राइबल आर्ट को फेमस कर दिया और आज 250-300 परिवार उससे दाल रोटी कर रहे हैं. तो मैं भी चाहता हूँ कि उमरिया जिले को एक पहचान मिले जिसमें चाहे वो बैगा हो, चाहे गोंड हो, चाहे कोल हो, लेकिन चित्रकला में क्योंकि ये मेरा जिला है, मेरा अपना है, मुझे इस मिट्टी से लगाव है, इस नदी से लगाव है और मैं चाहता हूँ यहाँ निश्चित रूप से कलात्मक रुझान का जो है रोजगार उपलब्ध हो.